हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। कवर नई वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हैं। पिता यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है, उसने संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रभु जी, यदि आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, बीमारी में ग्रस्त हैं तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यहोवा जलाल से बताने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर इतना महान है, वो परमेश्वर इतना दयालु है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, यदि आप समस्याओं में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, गरीबी में हैं, बीमारियों में हैं, बोझ में हैं, हर प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। वो परमेश्वर इतना महान है, वो परमेश्वर इतना दयालु है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आपके दुखों को, आपके अशोक को पहुँचेगा परमेश्वर, पहुँच देगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम्हारे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है कि उसको सिर्फ आपके जीवन आदेश देना है और आपके जीवनों में वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। पहला यूहन्ना 5:11 वचन में यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से कहा है। मेरे प्रियजनों, यदि हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए हैं तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह आपके बीमारियों को, आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसी के पास अधिकार है कि वही हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को माफ कर सकता है, ढाप कर सकता है। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार पिता मुझ पर अनुग्रह कर, पिता अपने बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को मिटा दे मेरे स्वामी। यस, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, यदि आप गरीबी में, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको इसी वक्त अपने घुटने टेक के बैठ जाना है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताना है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर दयालु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आपके जीवन में चमत्कार करेगा परमेश्वर, आपके जीवन में समस्या वो चेंजिंग लाएगा, आपके जीवन में समस्या वो बदलाव लाएगा, आपके जीवन में समस्या वो चेंजिंग, वो बदलाव, रुकावट के बंधन टूट जाएंगे समस्या के नाम से। ठीक है, इस प्रार्थना को आप बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेगा। ठीक है, यदि आपके जीवन में हर एक तरह तरह की बंधन है, हर एक शैतान की ओर से बंधन है, हर एक गंदी बदरी चालों के, दुष्टात्मा के बंधन है, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह के नाम से वे बंधन टूट जाएंगे, वे बंधन कट जाएंगे, वे बंधन विफल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, आप अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मेरे जीवन के ये हर करातर के बंधन, शराब के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने मुंह से अंगीकार करना है, पश्चाताप करना मेरे प्रियजनों। ठीक है, वो इतना महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें छोटे बालक जैसा होना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी समझ बालकों जैसी हो। कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे मेरे प्रियजनों, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पे चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े नहीं मरते। मेरे स्वामी, मेरे यीशु पापा, जो आपने मेरे स्वामी सभी को, मेरे पिता, जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा मेरे प्रभु, एक अनंत काल का जीवन दिया, संसार से चुना है पिता, अंधकार से अलग कर दिया पिता, सांसारिक मनुष्यों से चुन के अलग किया मेरे परमेश्वर पिता। आपने कहा है उजियाला अंधियारे को कभी ग्रहण नहीं करता मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप पिता अंधियारे को ग्रहण नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप उजियाला है, आप ज्योति है मेरे परमेश्वर पिता। पिता, आपका वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ मेरे पिता, जो कोई आपके पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। आपने कहा मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, हम विश्वास के साथ परमेश्वर प्रार्थना करते मेरे यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह बाबेन पिता बीमार है, बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके मेरे परमेश्वर, फिर भी नहीं चंगे हो पा रहे यीशु मसीह, आपके नाम से मेरे प्रभु ये मसीह बाबेन चंगे हो नहीं पाए, ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। पिता, जो भी बीमारियों में ग्रस्त है पिता, जो नाना प्रकार की बीमारी ग्रस्त है, कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया, बुखार, नाना प्रकार की बीमारी में लिप्त हैं, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु ये मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं।
जादू जो बोलकर आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो गरीब है प्रभु, जो लाचार पिता, जो कमाने वाले नहीं मेरे पिता, जो 100-100, 200 रुपए पर पिता दर्द उधार ले रहे हैं, जतु के आगे हाथ फैला रहे मेरे परमेश्वर पिता, ये दर्द उधार ना लेने पाए पिता, किसी अन्य जतु से हाथ ना फैलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, इस सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे आए मेरे प्रभु। आप इनका जीवन संभाल ले पिता, आप इनका जीवन संभाल ले प्रभु, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आशीष के दरवाजे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते मेरे परमेश्वर पिता। इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के ऊपर पिता आशीष से डेल दीजिए पिता, गर्मी दूर हो जाए, तंगी परेशानी दूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, जिनके जीवन पिता हर एक रुकावट के बंधन यीशु मसीह के नाम से वे टूट जाए पिता, जल जाए पिता, हर कराधर के बंधन जल जाए, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, सेनाओं के राजा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु ये मसीह अपने के जीवन से पिता हर गंदी आत्माओं के बंधन निकले पिता, टूट जाए पिता, खंडित हो जाए, विफल हो जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन बसी भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने वाले नहीं है मेरे पिता, मेरे प्रभु ये सबको छोड़ छाड़ के यीशु पिता आपके पीछे है मेरे पिता। आप इनका जीवन संभाल ले पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर होता है पिता, वह टूट सकता है पिता, बिखर सकता है मेरे पिता। मेरे प्रभु अन्य जातियों के आगे पिता 100-100, 200 रुपए पर पिता ये उधर उधर हाथ ना फैलने पाए पिता, उधार ना लेने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका दया वाला हाथ, आपका आशीष और आशीष वाला हाथ पिता हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, उनके जीवन में बरकतें आइए, बरकतें उंडेल लिए पिता, तंगे परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आशीष के दरवाजे यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते मेरे प्रभु। इन तमाम मसीह भाइयों के जीवन में पिता वो आशीष के बंधन उंडेल लिए पिता, हर एक रुकावट के बंधन टूट जाए पिता, ओपन द डोर पिता, वो आशीष के दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता जो हम सभी मसीह भाई बहनों से यीशु पापा पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करे पिता, आप क्षमा करे प्रभु, क्योंकि हम मानव जाते हैं मनुष्य हैं, निर्बल कमजोर है पिता, पापों में गुनाहों में व्यभिचार में गिर सकते हैं प्रभु। आपने लहू से शुद्ध करे पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे स्वामी, आपने अपना लहू बाकी मेरे स्वामी हम सभी को मोल खरीदा है पिता। पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ, इन सारे मानव जाति के पापों का बोझ यीशु पिता आप अपने ऊपर ले लिए मेरे प्रभु, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए, और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर यीशु पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते जो मसीह भाई बहन प्रभु रात में नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है प्रभु, इन्हें भय लगता है प्रभु, मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तुझको सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरते मेरे यीशु पिता। इन वचनों की तरफ पिता के जीवन में आदेश देते पिता, ये अच्छे से सोएं, इन वचनों की तरफ इन्हें आशीष आने पाए, इनकी पिता सहायता करें, मदद करें पिता, मुझे ऐसा विश्वास है पिता आपने प्रार्थना को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।